वास्तु टिप्स आपकी किस्मत बदल देगी घड़ी, जानिए जरूरी बातें। वास्तु शास्त्र का व्यक्ति के जीवन में विशेष स्थान होता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में कोई वास्तु दोष होता है वहां कभी खुशियां नहीं आती हैं। वही घर का वास्तु सही होता है तो जीवन में सफलता हासिल होती है, धन वैभव और खुशियां भी बनी रहती हैं। वही घर पर लगी घड़ी केवल समय बताने का काम नहीं करती है बल्कि यह घर के सदस्यों पर अपना सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव भी डालती है। वास्तु शास्त्र के मुताबिक घड़ी का सही दिशा और हालत में लगे होना बहुत जरूरी माना जाता है। वही आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि घड़ी को लगाते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे यह व्यक्ति पर अपना अच्छा प्रभाव डालते हुए प्रगति की ओर ले जाए। वास्तु शास्त्र के मुताबिक घर की उत्तर और पूर्व दिशा शुभ मानी जाती है, इसे प्रगति और वृद्धि की दिशा कहा जाता है। यहाँ पर दीवार घड़ी लगाना चाहिए, यह शुभ है। आपको अपने घर और दुकान में इसी दिशा में घड़ी लगानी चाहिए। घर या दुकान में मधुर संगीत या धुन बजाने वाली घड़ी लगाएं। इससे घर और दुकान से नकारात्मक ऊर्जा दूर होकर सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है। वही वास्तु शास्त्र के मुताबिक घड़ी का रुक जाना अशुभ माना जाता है, यह घर और परिवार की प्रगति को रोकने का कारण बनती है। इसलिए बंद पड़ी घड़ी को तुरंत घर से बाहर निकाल देना या ठीक करवा लेना चाहिए। इसके अलावा टूटी घड़ी भी लगाने से बचना चाहिए और इस पर कभी भी धूल मिट्टी न जमा होने दें। वही कुछ लोगों ने अपने मुताबिक घड़ी का समय सही न रखकर कुछ मिनट आगे या पीछे रखा होता है। वास्तु के मुताबिक ऐसा करना अशुभ माना जाता है, इसलिए घड़ी का समय हमेशा सही होना जरूरी है।